कि हम हमारी बेटी सुरक्षित रहे, बच्चियां सुरक्षित रहें, तो उसके लिए बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। जितना ही सजा सख्त होगी, लोग इससे भयभीत हो जाएंगे। और रेप भी वही है जो छोटे छोटे बच्चों को उठाने जाते हैं, छोटे बच्चों के साथ लेते हैं और गैंग रेप करते हैं। तो इसमें मॉब लॉन्चिंग, इकट्ठे होकर किसी को मार देना, उसमें भी मृत्युदंड का प्रावधान किया गया, पहले नहीं था। तो काफी बदलाव किया गया इसमें। देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे तीन आपराधिक कानून आज से बदले गए। इनकी जगह नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। इसी कड़ी में पानीपत के चांदनीबाग थाना में एक जागरूक कैंप लगाया गया और गणमान्य व्यक्तियों को यहाँ पर बुलाया गया और उन्हें नए कानूनों के बारे में बताया गया। आपको बता दें कि पिछले दिनों हमने एसपी पानीपत से उन तीनों कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी ली थी और एसपी ने बताया था कि ये तीनों कानून आने से आम पब्लिक को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो इस जागरूक कैंप में गणमान्य लोग भी पहुँचे हैं और डीएसपी सुरेश सैनी भी यहाँ विशेष तौर पर पहुँचे हुए हैं। और चांदनीबाग थाना के प्रभारी राकेश शर्मा का इस मामले में क्या कहना है, पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर सीधा आपको डीएसपी सैनी के पास लिए चलेंगे। इनमें ना एक समय बंद रखा गया, सारी चीज़ का एक समय बांध दिया गया। जैसे आप FIR लॉज करोगे, उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी तो देंगे ही देंगे और उसकी 90 दिन में हम चार्जशीट की कॉपी भी मदई को निःशुल्क देंगे। और एक सबसे बड़ा इसमें ये किया गया कि जैसे हम किसी की रिकवरी करते हैं, किसी कोई चोरी होती है, चोरी के सामान की रिकवरी करते हैं, उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी होगी और वीडियोग्राफी में हमें एक इंडिपेंडेंट विटनेस चाहिएगा। लोग आमतौर पर डर जाते हैं कि मेरी गवाही आएगी, मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा, पर मैं आप लोगों के माध्यम से ये अवेयर करना चाहता हूँ कि उनकी कोर्ट में उनको नहीं बुलाया जाएगा, कोई भी उनकी गवाही कोर्ट में नहीं आएगी, उनके वहाँ मौजूद रहना ही जरूरी है कि हमने उनके सामने रिकवरी की और वीडियो जो हम कोर्ट में प्रोड्यूस कर देंगे, उनको कॉल नहीं किया जाएगा। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जब भी कोई पुलिस ऑफिसर किसी को इंडिपेंडेंट विटनेस के लिए कहे तो उसको बेझिझक अपनी गवाही उसमें देनी चाहिए। और जैसे आप पूछ रहे थे इसमें क्या हुआ, इसमें काफ़ी चीज़ की मॉब लॉन्चिंग में, जैसे मर्डर कर दिया 302 लगा देते थे, अब मॉब लॉन्चिंग में मृत्युदंड की सज़ा कर दी गई। और सिंडिकेट क्राइम है, उसमें बार बार लोग क्राइम करते हैं, उसमें उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने का प्रावधान कर दिया गया, तो काफ़ी अच्छा किया गया नया कानून में। जैसे आपकी जो IPC थी उसमें 511 धाराएँ थी, अब न्याय संहिता एक दंड की जगह न्याय ले आ दिया, भारतीय दंड संहिता थी ये न्याय संहिता में कन्वर्ट कर दी गई, इसमें 358 धाराएँ कर दी गई। उपधाराएं तो बेशक उसमें ज़्यादा है, मतलब तो टोटल 358 की गई। जो पहले से FIR दर्ज है क्या वो भी नए कानून के प्रोसेसिंग से ही चलेगी? जो इससे पहले दर्ज हुई है वो CRPC के माध्यम से ही चलेंगी। और आज भी अगर कोई क्राइम पहले होता है, इससे पहले हुआ है, तो IPC में दर्ज होगा और उसकी इसमें BNSS के तहत उसकी तफ्तीश की जाएगी, नए के तहत तफ्तीश होगी, IPC में दर्ज होगा वो। पहले आप देखा जाता था दुष्कर्म यानी नाबालिग बच्चों से दुष्कर्म, हाँ, सजा जो एक्चुअल जो रेप है वो मेन तो बच्चों से ही था, जो रेप की परिभाषा में दिया गया है, जो बच्चों को उठा ले जाते हैं, बच्चों से रेप करते हैं, जो 16 साल से नीचे 18 साल से नीचे हैं, उसमें मृत्यु दंड का प्रावधान कर दिया गया। जो सामूहिक रेप कर देते हैं, उठा लेते हैं और 8-10 लोग किसी से ये गलत काम करते हैं, ऐसा कृत्य करते हैं, उनमें भी उसमें मृत्युदंड की सजा। एक और अभी आप बता रहे थे लोगों से बातचीत के दौरान कि कई जो आजकल लड़के अक्सर देखा जाता है लड़कियों को गुमराह करते हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगा और उसके बाद, हाँ, उससे संबंध बना लेते हैं। हाँ, तो उसमें भी अब प्रावधान आ गया 69, हम उनमें अरेस्ट कर सकते हैं जिसको झूठा झांसा देना कि जैसे शादी करनी है या हम नौकरी पे लगवा दिया जाएगा आपको, तो प्रमोशन देनी है, इस प्रकार में उसमें भी 69 भारतीय न्याय संहिता की धारा आ गई है। इसमें क्या सजा होगी? सजा तो मैंने अभी स्टडी नहीं की है, पर इसमें मुकदमा दर्ज होगा, गिरफ्तार होंगे और सजा भी है। कुछ बच्चे अज्ञानता के कारण ये काम करते हैं, उनको भी जागरूक करने का, हाँ, मैंने आपके मैंने वैसे भी सेमिनार में ही बताया और आपके माध्यम से भी बताया, कई बच्चों को इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं होती है कि वो सहमति से बच्ची चली जाती है, 18 साल से नीचे होती है, वो भी नीचा होता है, उसको पता नहीं, वो शादी कर लेते हैं, बाहर भाग लिए, शादी कर लिए, जबकि ऐसा मान्य नहीं है। जब तक बच्चा व्यस्क ना हो जाए, अडल्ट ना हो जाए, जो एज है शादी की 18 और 21 साल, उसके बाद तो मानना है कि चलो वो शादी कर ली, उन्होंने चले गए, तो इस लोगों के बारे अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाएंगे और नए कानून के संबंध में सभी स्कूलों में भी अवेयरनेस कैंपेन चलेंगे और कॉलोनियों में भी बताया जाएगा। एक चीज़ और देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा भारत में लड़का लड़की आपसी सहमति से संबंध बना लेते हैं होटल में जाके या कहीं भी जाके, उसके बाद कई बार ऐसा भी देखा जाता है लड़की के द्वारा रेप के आरोप लगा दिए जाते हैं। हाँ, ऐसा है, लगाते हैं, फिर हम उसकी जाँच कर लेते हैं, जांच करके फिर जो गलत होता है उसको मुकदमे को कैंसिल करते हैं और 182 की पहले हम कार्रवाई करते थे उनके अगेंस्ट। जो लिविंग रिलेशन में उनके लिए भी कोई कानून है? नहीं, जो कानून बने हैं वो तो बने हुए हैं।
जो ये कानून है इनसे बहुत न्याय मिलने में बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। इसमें समयबद्ध है सब कुछ और इससे आम जो जनता है जिसके साथ पीड़ित है जो घटना घटी है उसको न्याय मिलेगा, ये निश्चित तौर पे इससे इन कानूनों से होगा। अभी आपने बताया कि EFIR भी शुरू हो गई है और 3 दिन के अंदर ही मामले का निपटारा होगा। हाँ, ये भी हो गया है इसमें और निश्चित तौर पे EFIR भी है इसमें। सबसे ज़्यादा देखा जाता है भारत में लोग एक दूसरे पर झूठे आरोप लगा देते हैं, तो उसके लिए भी कोई कानून बनाया है? ऐसा है, उसमें तफ्तीश है, इन्वेस्टिगेशन करके हम सच्चाई का पता लगा लेते हैं और सच्चाई के अनुसार जिसका जो उसमें दोष होता है उसके अनुसार ही उसके अनुसार कार्रवाई करते हैं। कैसे आम जनता के इससे कानून को पहुँचाया जाए? आम जनता में ऐसे ही अवेयरनेस कैंप, अवेयरनेस करने के लिए इन कानूनों के बारे में आज इसकी शुरुआत है। आज से हमने थाना प्रांगण में जो है आज प्रोग्राम किया है, बड़ा अच्छा प्रोग्राम आज हमने किया है। शहर के बहुत अच्छे लोग, बहुत जितने भी लोग आ सकते थे इसमें आए हैं और हमने उन कानूनों के बारे में इनको बताया है और ये आगे बताएंगे और ऐसे ही प्रोग्राम हम समय समय पर स्कूल में और जो इंडस्ट्री एरिया है उसमें जा करके बताते रहेंगे। ये सर जनता के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अब जनता को थाने में आने की बहुत कम जरूरत रहेगी है, क्योंकि अगर किसी के साथ अपराध हो जाता है कई बार थाने में आ नहीं पाता, तो वो अपना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी हमें अपनी दरख्वास्त भेज सकता है, जिसपे हम उसकी FIR दर्ज कर लेंगे और 3 दिन के बाद जब उसको समय लगे तो उस FIR पे साइन करके चला जाएगा, जिससे वो केस पूरा माना गया। फिर हम उसको ऑनलाइन, या अगर वो ऑनलाइन में अवेलेबल है तो हम उसको ऑनलाइन ये FIR की कॉपी देंगे और हार्ड कॉपी तो देंगे, और 90 दिन के बाद हम उसको प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बताते रहेंगे कि भैया आपके केस में क्या चल रहा है। 302 या 376 के हाँ, जो 302 IPC थी वो अब 103 में आ गई है BNS में, और जो 376 जो महिला संबंधित है वे इस एक्ट में सबसे पहले ले लिए गए हैं, वे आ गए हैं 64 से लेकर 70 तक के। उसमें जैसे दहेज मृत्यु हो जाती थी वो 304B होती थी, जो अब वह बन गई 80। तो इस प्रकार ये पूरी सेक्शन चेंज है, इसमें सजा भी बढ़ चुकी है। लगभग जितने भी अपराध होते थे उनमें सब में सजा बढ़ चुकी है। हाँ, सजा बढ़ चुकी है। कई जो अपराधों में मृत्युदंड का प्रावधान, मृत्युदंड है, और कई इस एक्ट में कई अपराध को नया जोड़ा गया, जिसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, पेटी ऑफेंस है, इसमें मॉब लिंचिंग है, ऐसे बहुत से अपराध इसमें जोड़े गए हैं। तो अंग्रेजों के जमाने से जो चल रहे कानून हैं वो आज से बदल दिए गए हैं, इसमें आम जन को काफ़ी फायदा होने वाला है। और जो गणमान्य लोग यहाँ पर पहुँचे थे उनका क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। माननीय मोदी जी ने हमारे कानूनों में बदलाव किया, उन बदलाव के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये सेमिनार थाना चांदनी बाग के प्रांगण में हुआ, जिसके अंदर विस्तार पूर्वक पुलिस डिपार्टमेंट ने सभी आमजन को जो बदलाव हुए हैं उनके बारे अवगत कराया। और आज से 5160 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में भी स्पष्ट लिख दिया था कि परिवर्तन संसार का नियम है, और आज जो युग पुरुष है हमारे माननीय मोदी जी, उन्होंने समय की मांग को देखते हुए अपने कानून के अंदर उन्होंने ये बदलाव किए जो कि पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी थे, कि स्कूलों में इस तरह के प्रोग्राम बनाए जाएँ और जो एक कानूनों में जो बदलाव किया गया है इसकी जानकारी बच्चों को ज़रूर होनी चाहिए, ताकि उनके भविष्य में सुधार हो सके और वो अपने समाज को, अपने परिवार को भी इस बारे में अवगत करा सकें। तो ये जागरूकता बहुत ही ज़रूरी, हम भी कोशिश करेंगे और हमने पुलिस डिपार्टमेंट से भी कहा है कि वो भी अपनी इस जागरूकता अभियान में अपना हिस्सा दें। जानकारी देना उनको बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे समाज में कुछ जागरूकता आएगी तो अच्छा रहेगा और समाज में सुधार हो जाए, बहुत कुछ बदलेगा। और इसके अंदर गरीब से गरीब को भी बगैर बहुत ज़्यादा खर्च किए इंसाफ मिलेगा। इंसाफ की बात है ये, क्योंकि जितने केस ये लटकते हैं ना, ये इन 1860 के बने हुए कानून जो अंग्रेज़ों ने बनाए थे उसके लिए, वो उन्होंने तो अपनी सहूलियत के लिए बनाए थे, लेकिन आज जो है ना हमारी जो सरकार है केंद्र में, उन्होंने ये महसूस किया कि भई हम इतने जो कानून बना रखे हैं इसके लिए न्याय तो मिल ही नहीं रहा किसी को। अब वो धक्के खाते रहते हैं, अब विश्वास भी खत्म होना शुरू हो गया। इतने लोग कहते हैं यार क्या करेंगे, कोर्ट में जा करके होना तो कुछ है नहीं। हर उसकी जो है वो लिमिट रख दी कि इतने टाइम तक आपने ये इंक्वायरी अगर करनी है तो पुलिस इंक्वायरी करके विद इन टाइम जो निर्धारित किया है उसके अंदर अंदर उन्होंने रिपोर्ट देनी पड़ेगी। आपको बता दें कि IPC में 511 धाराएं थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं ही हैं।
आपराधिक कानून में बदलाव के साथ ही इसमें शामिल धाराओं का क्रम भी बदला गया है। जीरो FIR, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने, SMS या ईमेल से समन भेजने और जघन्य अपराध की वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान अनिवार्य किए गए हैं। आपका इस वीडियो को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।